भारत के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके भारत का परचम फहराया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग से लेकर चांद तक पहुंचने के सफल लैंडिंग में देश के विभिन्न हिस्सों के वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा। इस टीम में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर की बेटी का भी योगदान रहा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर चांद पर सफल लैंडिंग में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम में काशीपुर की बेटी तन्मय तिवारी भी शामिल है। वर्तमान में काशीपुर में रामनगर रोड स्थित बैंक कॉलोनी की रहने वाली बेटी तन्मय तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा काशीपुर के छावनी चिल्ड्रन एकेडमी से हुई, जिसके बाद की शिक्षा रुद्रपुर के JC पब्लिक स्कूल में हुई है और इस दौरान हाई स्कूल में वो जिले में टॉपर भी रही। इंटरमीडिएट की परीक्षा कैंपस स्कूल पंतनगर तथा बीटेक पंतनगर यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। इस ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो कार्य हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इसका उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। बस उसने देश के लिए कुछ काम किया है। जिस दिन चांद पर उतरने वाले थे उससे पहले बात हुई, हाँ, उससे पहले बात हुई थी। फोन पर बात हुई थी, कह रही थी कि आज गौरव का दिन है हमारा, देखो क्या होता है। वैसे तो उम्मीद है ही कि उतर जाएगा, लेकिन फिर भी डर है मन में अभी थोड़ा। लेकिन लास्ट में जब उतर गया तो फिर सब खुश थे, हम भी खुश थे बहुत। देखिए, एक भारतीय नहीं थे, प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित है कि हमने चंद्रयान पर सफलतापूर्वक अपनी विजय प्राप्त की है। और काशीपुर का उसके साथ संबंध होने के बाद और काशीपुर के बाद छावनी चिल्ड्रन एकेडमी की बच्ची तन्मय तिवारी कहीं उसके साथ में जुड़ी रही है। तो ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के मध्य में पार्वती कुंड मानसून की बारिश के बाद काफी सुंदर लग रहा है और इन दिनों नीति घाटी और चमोली के लोग पार्वती कुंड में पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। स्थानीय प्रशासन इनर लाइन परमिशन के माध्यम से सभी को सेना और ITBP की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन कराते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की शहर में पार्किंग की व्यवस्था ना होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जाम की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। वहीं पर शहर में 2 मल्टी पार्किंग बनाई जानी थी, लेकिन आज तक नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में 17 करोड़ की लागत से मल्टी पार्किंग बनाई जानी है, जिसके DPR बनकर HRDA ने शासन को भेज दी है। वहीं दूसरी पार्किंग मच्छी मोहल्ले के पड़ाव में भी बनाई जानी है, लेकिन निगम की लापरवाही से आज तक इसका कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी शहरवासियों को कब तक पार्किंग मिल पाती है और कब तक जाम से निजात मिल पाता है। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।